इतना तो आप भी समझ चुके हैं कि पॉडकास्ट से पैसा कैसे कमाया जाता है, पॉडकास्ट होता क्या है, और ये भी आप जान चुके हैं कि फ्यूचर पॉडकास्ट ही है, तो क्यों ना पॉडकास्ट बनाया जाए। लेकिन सवाल ये आता है कि पॉडकास्ट बनाया कैसे जाता है, पॉडकास्ट के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और जब बना लेंगे तो इसको पब्लिश कहाँ करेंगे, ये सब सवाल आता है ना। चलिए बारी बारी से इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि पॉडकास्ट के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जैसे YouTube वीडियो बनाने के लिए कहते हैं ना कि अच्छा सा कैमरा, अच्छा सा माइक, लाइटिंग सिस्टम, सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप YouTube शुरुआत करते हैं तो आपको ये सब झंझट से मुक्त होकर के फ़ोन का जो कैमरा है उतना ही सफिशियंट होता है, ऐसा ही कहा जाता है। जितने भी क्रिएटर से पूछ लीजिए वो यही कहेंगे। लेकिन पॉडकास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि आप अपने फ़ोन के ऑडियो जो होता है, रिकॉर्डिंग जो होता है, उससे शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वीडियो की बात हो या पॉडकास्ट की बात हो, इसमें जो ऑडियो है, अगर ऑडियो अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा नॉइज होगा, तो लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे, है ना। हर इंसान जो है गाली सुनना पसंद नहीं करता है, बल्कि उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें जो कान को मिठास दे वो सुनना पसंद करते हैं। अच्छी बात भी, अगर आपको तेज आवाज़ में बोला जाए, कर्कश आवाज़ में बोला जाए, तो शायद आप इरिटेट होकर के छोड़ देंगे, सुनना नहीं पसंद करेंगे। तो यही चीज़ पॉडकास्ट के साथ भी लागू होता है। कभी सुनिएगा, जो पॉडकास्ट वाला वीडियो होगा या पॉडकास्ट किसी का सुनिएगा, तो इतना आराम देगा सुनने में कि दिल खुश हो जाएगा। तो भाई साहब, इसके लिए अगर बहुत प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे तो आपको तो ऐसा ऐसा माइक की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि ऑडियो की बात है तो महंगा माइक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अभी अभी ज़्यादा तो कमाएंगे नहीं, तब फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप बोया का माइक ले लीजिए, और इसके बाद एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ऑडियो को एडिटिंग करके, मिक्स करके, इसके बाद उसको बहुत ही शानदार ऑडियो फाइनल आउटपुट में ला सकते हैं। कैसे, देखिए समझिए। मान लीजिए कि आपने बोया का माइक ले लिया, जो भी आपको पसंद है, एक माइक ले लीजिए, प्रोफेशनल माइक ले लीजिए। बोया का इसीलिए कि पर्सनली मैं खुद ही इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं इस्तेमाल करता तो नहीं करता। और दूसरा, मैं अगर बात करते हैं, मेरा पर्सनल माइक, बहुत सारे माइक है, जिसमें से एक माइक मैं ये भी यूज करता हूँ, जो कि इसका ऑडियो बोया से बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये USB टाइप है, जो कि सैमसंग का माइक है, और इसलिए फ़िलहाल अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है लैपटॉप में लगाना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन ऑडियो के लिए इससे बढ़िया माइक अभी, मतलब कि बजट में, दूसरा मुझे नज़र नहीं आया है, राइट। अब बात करते हैं कि अगर आप बोया का माइक लेते हैं, जो कि 1200 के अंदर आ जाता है, तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ेगी एक अलग से सॉफ्टवेयर की, जो कि ऑडियो इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरत है, नॉइज रिमूव करने के लिए बहुत ज़रूरत है। वो एकदम फ्रीली अवेलेबल है, जिसका नाम है Audacity। Audacity से रिलेटेड कैसे क्या करना है, कंप्लीट ट्यूटोरियल दूसरे यूट्यूबर भी बना चुके हैं, तो इसकी ज़रूरत मुझे नहीं समझ में आती। आप सिंपली सर्च करिए और वहाँ पे ऑडियो के इम्प्रूव कर लीजिए। अब आपके पास ऑडियो के लिए माइक है, सॉफ्टवेयर है, जो भी पॉडकास्ट में बोलना चाहते हैं बोलिए, अपने दिल की बात रखिए, समझने की बात रखिए, जो यूजर पसंद करेंगे। अब सवाल आता है कि आप अगर ऑडियो को आउटपुट ले भी आए, फाइनल जो है ऑडियो वर्जन आउटपुट ले आए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करें, मतलब कि प्लेटफॉर्म, जैसे वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं ना कि यूट्यूब पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, ये कंप्लीट आपका मतलब चॉइस होता है कि आप कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे डालें, राइट। तो इसी तरह से अगर आप पॉडकास्ट क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसको आप पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे अपलोड करिए, जैसे गूगल का पॉडकास्ट है ना, ये भी प्लेटफॉर्म होता है, एप्पल भी निकाला हुआ है, स्पॉटिफाई भी है, स्पॉटिफाई एंकर FM जो कहते हैं उसको कर लीजिए, Jio7 कर लीजिए, या खुद का अपना जो वेबसाइट बनाइए और वहाँ पर अपलोड करिए। चूँकि ये सब जो दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही YouTube प्लेटफॉर्म जो है वो आपका नहीं है, YouTube क्या करती है कि आपके कंटेंट को होस्ट करती है, और इसके बाद पूरा एल्गोरिथम सेटअप करती है, और आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके दे देना है, और इसके बदले में कुछ पैसा बीच में मार्जिन, अगर कमाई आपका होता है तो उसमें से YouTube रख लेता है, यही करती है ना। इसी तरह से वो कंपनियां भी, अगर अभी इंडिया में मोनेटाइजेशन नहीं है पॉडकास्ट पे, मान लीजिए, लेकिन अदर कंट्री में तो है, जब इंडिया में शुरू होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, इतना टेंशन डेवलपर लाना, हायर करना, या खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये सब की झंझट भी नहीं रहेगी, या वेब एप्लीकेशन डेवलप करने की भी झंझट नहीं रहेगी। बस आप कॉन्टेंट क्रिएट करिए, अपलोड करिए, जो कमाई होगा कुछ परसेंटेज वो रखेगा, फिर आपको दे देगा।
चूंकि इंटेलेक्चुअल चीज है, तो याद रखिए कि इंटेलेक्चुअल चीज में जब आप एक बार काम करते हैं तो लाइफ टाइम इसका जो रिवार्ड होता है वो आपको मिलते जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो प्रेस जरूर कर दीजिएगा।